यस क्लास की ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स का लेसन 2 करेंगे। इससे पूर्व हमने व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, इसके विषय में जाना था। आज हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, मतलब कि एक अर्थव्यवस्था को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है उसके बारे में हम आज जानेंगे, जो कि हमारा विशिष्ट अर्थशास्त्र जिसको हम MI माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं का दूसरा लेसन है। अब एक अर्थव्यवस्था में क्या क्या केंद्रीय समस्याएं हैं उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। पिछली कक्षा में हमने संक्षेप में जाना था, आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या उत्पादन किया जाए। सबसे पहली समस्या, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए और कितनी मात्रा, मतलब क्वांटिटी में किया जाए। दूसरा इसका रहता है कैसे उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा, फॉर व्होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। देखो बच्चों कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, इसकी हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा ये, इसमें क्या रहता है, व्हाट गुड्स आर टू प्रोड्यूस, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किन वस्तुओं का ठीक है, उत्पादन किया जाए। अब देखिए, अब जो वस्तुएं गुड्स क्या होती हैं, जो गुड्स हैं वो दो तरह की हैं, एक तो पूंजीगत वस्तुएं, एक उपभोक्ता वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुओं को बोलते हैं कैपिटल गुड्स और उपभोक्ता वस्तुओं को बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। अब देखिए कैपिटल गुड्स में क्या रहेगा, इसमें हमारा लैंड, मशीनरी, टूल्स या टेक्निक, जो ये है, ये कैपिटल गुड्स, लैंड, मशीनरी, इस तरह के आइटम्स रहेंगे। और जो कंज्यूमर गुड्स हैं उसमें क्या रहेगा, जिन वस्तुओं को, जिन गुड्स को हम अपने उपभोग के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे जो भी घर में हम वस्तुएं प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, उनके संबंध में उत्पादन करना या उनका उत्पादन करना। अब देखिए, अगर इकोनॉमी, अगर कंज्यूमर गुड्स में इकोनॉमी अपने संसाधन, हमने बोला था ना रिसोर्सेज आर स्केर्स, मतलब कि साधन जो है दुर्लभ है, साधन क्या है, सीमित है, और अगर हम, ये मैंने जो निशान लगाया है, अगर हम जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं वो कंज्यूमर गुड्स में लगाते हैं तो क्या होगा, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे इफेक्ट पड़ेगा जो प्रेजेंट में, वर्तमान में जो लोगों के जीवन, लाइफस्टाइल, जीवन स्तर, लाइफस्टाइल
क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जो निशान है इंक्रीज का। पर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका एक सेकंड इफेक्ट रहेगा जो कैपिटल कैपिटल गुड्स, अगर हम अपने संसाधनों को इसमें लगा रहे हैं, इसमें हम कम लगा रहे हैं, तो क्या होगा, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कम होगा। और जब हमारा कैपिटल गुड्स कौन से, लैंड, मशीनरी और टेक्नोलॉजी है, जब उसका विकास डेवलपमेंट कम होगा तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो भविष्य है, भविष्य में विकास दर मतलब डेवलपमेंट रेट कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी, देखिए, अगर हम सिर्फ उपभोक्ता वस्तुएं बनाते रहें और अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव ना करें, अब आगे देखिए, अब अगर यही कंडीशन दूसरे उसमें रहता है, अगर कैपिटल गुड्स में संसाधन रिसोर्सेज को लगा दिया इंक्रीज, तो क्या होगा, जो फ्यूचर में तो हमारा सेफ हो जाएगा फ्यूचर के लिए, पर कंज्यूमर गुड्स हैं जो वर्तमान में जो हमारा जीवन स्तर, हमारे जो आवश्यकताएं हमें चाहिए हैं उसकी पूर्ति नहीं होगी और हमारा जो रहन सहन और जीवन लाइफस्टाइल है वो कम हो जाएगा। अब हमने देखा कि अगर हम कैपिटल गुड्स में अपने संसाधन लगाएं और या कंज्यूमर गुड्स में अब हम अपने संसाधन लगाएं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर कैपिटल में लगाते हैं तो हमारा जीवन स्तर पर हानि पहुंचती है, अगर हम सारे संसाधन कंज्यूमर पर लगाते हैं तो हमारे भावी भविष्य के उस पर पूंजीगत ढांचे पर फर्क पड़ता है। अब देखिए ये समस्या क्या है, फिर वही बात आ गई इकोनॉमिक्स की समस्या जो हमने पिछले ही कक्षा में पढ़ी थी, चेन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सीमित साधनों को लिमिटेड अलॉटमेंट किस प्रकार किया जाए, उसका अलॉटमेंट किस संसाधन पे कितना किया करना है, जैसे कि देखिए ये कैपिटल पर कितना करें, कंज्यूमर पर कितना करें, ताकि जो स्तर बना रहे कि जो तराजू के पलड़े बराबर रहें, हम अपने जीवन स्तर को भी बनाए रखें और भावी विकास को भी बनाए रखें। देखिए इसी में दूसरा पॉइंट है, किस मात्रा में उत्पादन हो, अब हमें ये भी तो सोचना है कि किस मात्रा में उत्पादन हो, अगर हम कंज्यूमर गुड्स को प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं तो कैपिटल गुड्स कम हो जाएंगी, कैपिटल गुड्स का ज़्यादा करते हैं तो कंज्यूमर गुड्स कम हो जाएंगी। अब क्या है, यहाँ पर क्या सिद्धांत आ रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब कि अवसर लागत, जिसका हम आने वाले अध्याय में चैप्टर्स में अध्ययन करेंगे। इसका अर्थ क्या है कि एक उत्पादन करने के लिए दूसरे वस्तु का उत्पादन हमें कम करना होगा, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित हैं। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए। अब देखिए कैसे उत्पादन किया जाए, इसके संदर्भ में दो बातें जानना आवश्यक है। हमारे पास एक तो श्रम प्रधान तकनीक, क्या एक तो श्रम प्रधान टेक्निक, लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी, सेकंड है पूंजी प्रधान
तकनीक। कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी, ये दो तरह की टेक्नोलॉजी सोसाइटी में पाई जाती हैं। क्या रहता है, देखिए, अगर ये टेक्नोलॉजी ज्यादातर जो श्रम प्रधान है, लेबर प्रधान है, ये हमारे अल्प विकसित या विकासशील देशों में, जैसे भारत और सर है उत्पादक है, वो पुअर के लिए जाए या रिच के लिए जाए, ये उसको डिसीजन लेना पड़ता है। अब देखिए, अगर पुअर की तरफ गया तो क्या वही जो श्रम प्रधान तकनीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा? अगर वो रिच की तरफ जाता है तो क्या जीडीपी बढ़ जाएगी? इसमें भी वही चीज रहती है, और ये सब स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस के कारण। सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट इकोनॉमी, अब विभिन्न जो हमारे अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें इस प्रॉब्लम का हल क्या है, वो देखिए। सबसे पहले क्या रहेगा, वर्क टू प्रोड्यूस के अनुसार जो हमारी मार्केट इकोनॉमी है, में है, मतलब बाजार अर्थव्यवस्था जो अमेरिका में मिलती है, उसमें जो बाजार अर्थव्यवस्था का उत्पादक है वो क्या करेगा, वो वर्क टू प्रोड्यूस किसके लिए उत्पादन करेगा? वो उसके लिए उत्पादन करेगा जिसमें उसको अधिक प्रॉफिट हो, क्यों? तो लाभ के लिए काम करेगा ना, ठीक है। वो इस बाजार अर्थव्यवस्था में, मार्केट इकोनॉमिक में क्या करेगा, वो किसके लिए प्रोडक्शन करेगा, किसके लिए, जहां प्रॉफिट मैक्सिमा हो। उसके बाद आप देखिए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करेगा, इसमें हमने पढ़ा था दो तरह की, क्या है, लेबर और कैपिटल। तो वो कैपिटल का चुनाव करेगा इसमें, किसका, किस मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, जो मार्केट है, जो बाजार अर्थव्यवस्था में, कैपिटल का क्या करेगा, चुनाव करेगा, क्योंकि उससे क्या है, एफिशिएंसी, कुशलता चाहिए, कम से कम संसाधनों में अधिक काम हो सके, अधिक से अधिक प्रॉफिट पा सके वो, इसलिए वो इसका उसकी कॉस्ट, लागत को कॉस्ट बोलते हैं, वो कम रहे, ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा रहे, वो ऐसी तकनीक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे क्या रहता है, किसके लिए करेगा, वो उस कंज्यूमर के लिए करेगा जो सबसे ज्यादा प्राइस, कीमत देने को तैयार होगा, कि उसे प्रॉफिट के लिए काम करना है तो उसी के लिए करेगा ना। तो जो मार्केट इकोनॉमी है, बाजार अर्थव्यवस्था है, उसमें वो इस तरह इन तीनों समस्याओं का हल करेगा। उसके बाद वजह से केंद्रित अर्थव्यवस्था होती है, जैसे इसमें क्या रहता है कि सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, इसमें जो संसाधन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस, इसमें सब संसाधनों पे लगभग क्या रहता है, सरकार का नियंत्रण रहता है, और ये जो है कंज्यूमर गुड्स पे ज़्यादा ही प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि इनका मकसद होता है लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाना। क्योंकि एक चीज़ और बताता मैं आपको, अगर जैसे अमेरिका जैसे देशों में कैपिटल को कर रहे हैं तो क्या होगा, अमीर और ज़्यादा अमीर होगा और गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाएगा, मतलब कि रिच और इनके बीच, पुअर के बीच जो अंतर है, डिफरेंस है, वो बढ़ता जाएगा, वो खाई ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो जो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी है उसमें क्या रहेगा, उसमें सरकार कंज्यूमर गुड्स को ज्यादा महत्व देगी, इस कारण वहां की क्या है, जीडीपी कम रहती है।
तीसरी मिक्स जो हमारे भारत देश की है उसमें क्या है, जो जीवन उपयोगी वस्तुएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, जैसे रेलवे हमारे यहाँ पे, और जैसे हम राशन की दुकान है उनसे हमें सस्ता अनाज मिलता है, इस तरह की जो बेसिक नीड्स हैं उनका नियंत्रण सरकार पे रहता है और कुछ चीज़ों का नियंत्रण रहता है। तो मिक्स इकोनॉमी में इस तरह काम चलता है। और इस तरह हम हमारा ये अभी आधा ही टॉपिक हुआ है, आगे का भाग अगली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे।